कांग्रेस का मतलब है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। कल नरेंद्र मोदी ने बीकानेर सभा में बहुत ही बड़ी घोषणा की है। वहीं गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला है। बीकानेर के नोरंगदसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण पूरी तरह से विधानसभा चुनाव पर केंद्रित रहा। अपने भाषण के जरिए मोदी ने विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का रोड मैप भी खींच दिया। वहीं एक बार फिर से मोदी ने गहलोत की योजनाओं पर भी सवाल खड़े कर दिया। वहीं किसानों के लिए भी उन्होंने बड़ी आवाज उठाई है। जी दोस्तों, मोदी ने क्या क्या बड़ी घोषणाएं की हैं, इस छोटे से वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मोदी ने कहा है कि विकास चाहिए तो स्थिर व डबल इंजन की सरकार बनानी होगी आपको। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा है, विकास तभी संभव है जब देश व प्रदेश में एक ही सरकार हो। जहाँ भी देश में डबल इंजन की सरकार है वहाँ विकास हो रहा है, लेकिन पिछले 4 साल में राजस्थान में हालात उल्टे रहे। हम दिल्ली से योजनाएं राजस्थान भेजते हैं और कांग्रेस का पंजा जबड़ मार देता है और सारे पैसे गायब हो जाते हैं। ऐसे में मोदी ने प्रदेश की जनता को ये मैसेज दिया है कि अगर आप प्रदेश में विकास चाहते हैं तो आपको भाजपा की सरकार बनानी होगी, क्योंकि केंद्र सरकार जितना भी चाह ले अकेले के दम पर प्रदेश का विकास नहीं कर सकती है। वही दोस्तों, किसानों को लेकर बड़ी आवाज उठाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कर्ज माफी को लेकर बड़ा सवाल पूछा, किसानों के कर्ज माफी की बात करते हुए कहा है कि पिछले चुनाव में इनके नेता ने कहा था कि 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। मोदी ने कहा 10 दिन 10 महीने और आज 4 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है। किसानों को कुछ मिला क्या? पीएम मोदी ने कहा यहां के किसान इतनी बड़ी मात्रा में बाजरा उत्पादन करते हैं, केंद्र सरकार ने मोटे अनाज के तौर पर इसे प्रमोट करने का काम किया है। ज्यादा दूर नहीं, आपके पड़ोस हरियाणा में बाजरा की कीमत 2350 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। वही राजस्थान में किसानों का बाजरा 1300 रुपए प्रति क्विंटल में बेचने को मजबूर हो गए हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि हमने राजस्थान में नर्मदा का पानी पहुंचाया, इन्होंने इसे रोकने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मोदी ने कहा किसानों से यह नफरत करते हैं, कांग्रेस की फितरत है और यह इनकी हकीकत भी है। वही दोस्तों, भ्रष्टाचार को लेकर भी मोदी ने बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने गहलोत सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा है कि गहलोत सरकार ने आजकल भ्रष्टाचार में ही रिकॉर्ड बनाया है। अगर भ्रष्टाचार की रैंकिंग होती तो राजस्थान उसमें पहले नंबर पर आता, यानी आने वाले चुनावों में भ्रष्टाचार भी बीजेपी का प्रमुख मुद्दा रहेगा। जिसे भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने कर्नाटक में सत्ता में वापसी की, उसी मुद्दे को अब बीजेपी राजस्थान में बुनाएगी। वही दोस्तों, पेपर लीक को भी लेकर बड़ा बयान दिया है। मोदी ने युवाओं को साधने की कोशिश की है और पीएम मोदी ने कहा है कि आजकल राजस्थान में पेपर लीक की अलग इंडस्ट्री खुल गई है। प्रदेश में 17 बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं और खुलेआम युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, यानी पेपर लीक इस बार बीजेपी का चुनावी मुद्दा रहने वाला है। वही दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहलोत सरकार की योजनाओं को बताया झूठ का पिटारा। पीएम मोदी ने अजमेर के बाद एक बार फिर से गहलोत सरकार की योजनाओं पर निशाना साधा है। इस बार उन्होंने गहलोत की योजनाओं को झूठ का पिटारा कहा। मोदी ने चुनावी साल में गहलोत द्वारा की जा रही योजनाओं के जरिए भ्रष्टाचार करने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाए हैं। मोदी ने कहा है कि जिस तरह से दिया बुझने से पहले जोर से लपलपाता है, अपनी हार के डर से कांग्रेस भी ऐसा ही कर रही है। राजस्थान के लोगों को गुमराह करने पर उतर आई है, लेकिन आपको याद रखना है कांग्रेस का एक ही मतलब है लूट की दुकान और झूठ का बाजार, और इसी के तहत हमें आगे के चुनाव में वोट देने हैं। दोस्तों, आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी है, कांग्रेस बीजेपी, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और राजस्थान में जल्द ही चुनाव आने वाले हैं, तो इस बार कौन राजस्थान में बाजी जीतने वाला है, यह भी आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए।